ओम शांति। सत्य पिता परमात्मा शिव भगवान सत्यवान संतान मानू सद्गुरुवार शुभ सकाल शुभ अभिनंदन सुप्रभात। डाक्तर रोगी को देखिला बेले तार समस्त तथ्य को पचारी बुझी थांती, जद्वारा रोगर सठिक कारण को जाणी तार निदान पाई कौन कौन औषधर आवश्यकता अच्छी डाक्तर बतई थांती। परंतु जदि रोगी सठिक तथ्य देउना ही कौनसी कारणवशतः तेबे तार रोग भल हेबा परिवर्ते आहुरी वृद्धि को पाई थाए। गोटिए रोगरु अन्य अनेक रोगर मध्य सृष्टि होई थाए। तबे वर्तमान समाज रे शारीरिक बेमारी प्रायतः लागी रही छी, ता सहित मुख्य बेमारी हेउछि आत्मार बेमारी, अर्थात पांच विकार रूपी बेमारी वर्तमान आत्मा को कबलित करिथिबारु आत्मा शक्तिहीन होई पतित तम प्रधान होई जाइछि। सेथि पाई भगवान को मनुष्य माने डाकुछंती, हे अंतर्यामी तुमे तो सर्वज्ञ, तेणु मोर रोग दुख समस्या आदि को तुमे ही दूर कर प्रभु। परंतु भगवान कहुछंती, हाँ मु सर्वज्ञता, किंतु एपरि नुहे जे मु समस्तंकर अंतर को जाई देखिबी। तेणु निज को निजे देख एवं मते निजर समस्त समाचार दे चाल, तेबे मोठारु सावधानी प्राप्त होई परिबो, अर्थात तार उपायर उपचार को तुमको मध्य मिली परिबो, जद्वारा आत्मा सठिक मार्गरे परिचालित होई पवित्र निरोगी सतु प्रधान हेई पारिबो। जेउ माने बुद्धिमान संतान से माने निजे परिवर्तन हेबा सहित सारा विश्व को स्वर्गरे परिणत करिवार सेवा करिबे। प्रथम सेवा हेउछि निजर चलणी को सुधारिबा, देह अभिमानर इच्छा गुड़ी को त्याग करिबा, जेहेतु ए विशाल सृष्टि को स्वर्गरे परिणत करिवार अछि, सेथिपाई परमात्मा पितांकर मध्य समस्तंक प्रति एही दृष्टि रहुछि जे समस्त आत्मामानंकु ज्ञान दान कर। दान सर्वदा गरीब मानंकु दिया जाय थाए ना, वर्तमान सृष्टि रे तो समस्ते गरीब, अर्थात ज्ञान धनर भिकारी, किए केते भी संपत्तिवान हे थाउ, परंतु भगवान को किछि ना किछि निरंतर मागी थांती। किए धन मागी थाए, किए मान, किए जस मागी थाए, तो किए शांति आदि आदि। तेणु समस्तंकु ज्ञानवान करेबा दरकार, अर्थात ज्ञानर दान देई चलिबा दरकार, समस्तंकर तेबे कल्याण होई पारिबो। भगवान कहुछंती, शास्त्र तो अनेक अच्छी, परंतु वास्तवरे चारिटी धर्मशास्त्र रहिची मुख्य, सेथिरु सर्वश्रेष्ठ हेउची श्रीमद भगवत गीता, समस्त शास्त्रर माता पिता। उच्चर उच्च हेउची गीता, जहा स्वयं निराकार भगवान ही देउछंती। भगवान कहुछंती, निजर जीवन को हीरातुल्य गढ़ीवा पाई, निजर सच्चा सच्चा समाचार मते प्रदान करी मो श्रीमतरे चाल, गृहस्थ व्यवहार रे रही निमित्त होई सबु दायित्व आदि तुलाई मो सहित बुद्धिर जोग को लगाई रख।
ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ତେବେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୂପୀ କର୍ମଚାରୀର ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକ, ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।